एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा जी, अब जो हमने करना है टॉपिक डिस्कस वो है पैकेट स्विचिंग। एक हमने सीखी है सर्किट स्विचिंग, एक है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि देखो ये रूटर पड़े हुए हैं आपके पास, ये भी रूटर है आपका, ठीक है, ये भी रूटर है, ये भी रूटर है, ये भी रूटर है, ये भी एक रूटर है, ये भी रूटर है, और यहां पर डिवाइस पड़ा हुआ है आपका जिसका नाम है बी, और यहां पे एक डिवाइस पड़ा है जिसका नाम है ए, ठीक है। अब होता क्या है कि ये डिवाइस सारे जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब सर्किट स्विचिंग तो हमने देख ली, इसका इसके साथ भी लिंक है, इसका इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब होगी यार, अच्छा अटेंडेंस हमारी नहीं हुई, सॉरी, अच्छा कर लेते हैं, ओके। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता ये है कि आपके पास यहाँ पे जो है सबसे पहली पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि हम इसका साइज, इसका जो ब्रश है ना, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं हुआ चेंज, हाँ कलर हो गए थे। अब इसमें होता क्या है, अगर ए ने बी को डेटा भेजनी है ना, तो सर्किट स्विचिंग क्या कहती है कि एक पाथ रिजर्व कर लो, लेट्स सपोज ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ जो है इसको रिजर्व कर लो, ठीक है। अब इस पे सिर्फ ए और बी ही बात कर सकते हैं, एक तरीका ये। दूसरा क्या है, दूसरा है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या कहती है, पैकेट स्विचिंग कहती है कि अपने डेटा को ना टुकड़ों में बांटो, पैकेट बनाओ उसके। सर्किट स्विचिंग पैकेट नहीं बनाती क्योंकि उसके पास डेडिकेटेड कनेक्शन है, तो पैकेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट पैकेट स्विचिंग जो है ना, वो क्या करती है, वो पैकेट बनाती है, छोटे छोटे डेटा के टुकड़े बनाती है, जिसको हमने पैकेट कहा था। अब वो क्या होता है कि पैकेट जो है ना, वो जाते हैं डिफरेंट रूट के थ्रू, कोई पैकेट किस रूट के थ्रू जा रहा है, कोई पैकेट किस रूट के थ्रू जा रहा है, कोई हमने पाथ रिजर्व नहीं किया। अब फर्ज करें इसके पास जो डेटा थी ना, उसके तीन पैकेट बने हैं, एक पैकेट, दूसरा पैकेट और तीसरा पैकेट, ठीक है। इसको वन कहेंगे, इसको टू कहेंगे और इसको थ्री कहेंगे। अब पहला पैकेट लेट्स सपोज इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, ये पहला पैकेट, ये इधर से जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, फिर इधर से जा रहा है, ये पहला पैकेट जा रहा है, ठीक है। दूसरा पैकेट शायद इधर से जा रहा हो, इधर से, इधर से, इधर से, फिर इधर से और फिर इधर से भी, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या था कि पाथ पहले हमने रिजर्व किया वाला। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि इमरान खान ने जमान पार्क से इधर आना है, तो पहले एक जमान पार्क से लेके लेट्स सपोज नहर तक हमने एक रास्ता रिजर्व किया, फिर नहर से लेके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक रिजर्व किया हुआ है। लेट्स सपोज हमने ये खोखर चौक तक किया हुआ है, ठीक है। फिर खोखर चौक से हमने आगे जो है ना अयूब चौक तक किया हुआ है, फिर हमने अयूब चौक से लेके शौकत खनन तक किया हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पाथ रिजर्व कर रहे हैं, छोटे छोटे पाथ, पूरा पाथ रिजर्व नहीं कर रहे। क्यों पाथ पूरा रिजर्व नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास पैकेट्स हैं, हमें उसको भेजने की, हमें उसके लिए पाथ रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि पैकेट के अंदर हेडर होता है, और उस हेडर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये पैकेट जो है कहाँ से निकला हुआ है, उसने कहाँ तक जाना है, ठीक है। आपको मैंने कहा था ना कि हर डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है, जिसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब है कि हमने डेटा को पैकेट के फॉर्म में डिवाइड किया है और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। जो हमारा इंटरनेट है ना, वो इस रूल पे चलता है, वो सर्किट स्विचिंग में नहीं चलता। मतलब आप जब गूगल को लिखते हैं www.google.com, तो वो आपको ये नहीं कहता कि अभी क्योंकि मैं जो है वो मसरूफ हूँ, मैं बाद में करता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप जब भी कॉल करते हैं वो चल जाता है। तो आपके पास पैकेट स्विचिंग का फायदा क्या है कि अगर डिफरेंट यूजर हैं और वो रिसोर्सेज यूज करना चाह रहे हैं, तो सारे एट ए टाइम पे यूज कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो फायदा है ना, वो उसका ये है। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान कोई बता सकता है कि इसका नुकसान क्या होगा पैकेट स्विचिंग का? सर इसमें हर डेटा लॉस होना चाहिए, होनी चाहिए, डेटा लॉस हो जाएगी कि अगर लेट सपोज सी जो है उसने डी से बात करनी है, और उसके लिए भी पाथ जो बनना है ना, वो लेट सपोज यही वाले पाथ बनना है, तो इस रूटर पे इसने भी डेटा भेजा हुआ है, इसने भी एक पैकेट भेजा हुआ है, तो इस रूटर पे क्या होगा, पैकेट बढ़ जाएंगे। अब फर्ज करें एक और भी तीसरी भी जगह है जहां से पैकेट आ रहे हैं, तो अगर इसकी गुंजाइश से, इस रूटर की गुंजाइश से ज्यादा पैकेट इसके पास आ रहे होंगे ना, तो वो पैकेट ड्रॉप कर देगा। ऐसे होता ना, अगर आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, उससे ज्यादा लोग आ रहे होते हैं, तो रश लग जाती है, ट्रैफिक एक रोड पे अगर क्यों जमा होती है ज्यादा,
क्योंकि उसके गुंजाइश से ज्यादा उधर गाड़ियां आ रही होती, तो जब गुंजाइश से ज्यादा बात बढ़ जाती है तो फिर काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये रूटर जो है ना, तो फिर वहां पे क्या होता है, पैकेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस रूटर के पास गुंजाइश लेट सपोज है कि ये 1 MB का डेटा पर सेकंड पे ले सकता है और 1 MB का डेटा आगे प्रोसेस कर सकता है, बट उस पर अगर 400 MB का डेटा आ रहा है एट ए टाइम पे, तो ये तो इतना जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता, और डेटा जो है वो इतना वेट नहीं कर सकती कि आपके लिए 2 सेकंड तक 3 सेकंड तक वेट करे, इतना टाइम नहीं होता डेटा के पास। आपने एक पैकेट भेजा नेटवर्क में, वो 1 मिलीसेकंड का टाइम होता है, अगर वो उसमें ट्रांसफर हुआ तो ठीक है, वरना फौरन से जो है ना एक नया पैकेट जनरेट हो जाएगा और वो शायद किसी और रूट से चला जाएगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क की पूरी फिनोमेना होती है, ये तो हम डिटेल से पढ़ेंगे कि पैकेट लॉस को हम कैसे रोकते हैं, बट पैकेट लॉस हो सकता है। सर्किट स्विचिंग में क्या था, पैकेट लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, पैकेट लॉस की गुंजाइश है। ठीक है, जब मल्टीपल यूजर होंगे, जब ज्यादा यूजर होंगे। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, कि इसमें पाथ रिजर्व नहीं होता और उसमें पाथ जो है वो रिजर्व होता है। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग के बारे में आपसे मैंने बात की आपसे। ठीक है, ये देखें आपने, ये रूटर ये भी है, ये रूटर भी है, ये सारा रिजर्व नहीं किया, सिर्फ ये 2 रिजर्व किए हैं फिलहाल। जब ये डेटा इधर से आगे चली जाएगी तो फिर ये रिजर्व हो जाएगा, ये खाली हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से पैकेट स्विचिंग जो है ना वो चलती होती है। अच्छा, डेडिकेटेड एलोकेशन नहीं होती इसमें। अच्छा जी, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, बट उसको पढ़ने से पहले ना मैं कुछ आपको PDM का ना कुछ एग्जाम्पल्स करवाना चाह रहा हूँ। तो बिफोर डूइंग PDM एग्जाम्पल, लेट अस टेक अटेंडेंस फर्स्ट, देन वी शैल गो टू सम मैथमेटिक्स। अब हमने